एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और किसान दिवस है आज, इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन आपको सीधे लिए चलते हैं। परिवर्तन करने हैं उसे किसी भी प्रकार के बिचौलिए से साहूकारों से मुक्ति मिल सके, इसके लिए भी जब उसे सुविधा उपलब्ध करानी थी तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किसानों को देने में प्रधानमंत्री जी ने कोई संकोच नहीं किया। आप जानते हैं किसान सम्मान निधि में एक बार में यानी साल में 6,000 रुपए हर किसान के खाते में देने की व्यवस्था, यानी हर 4 महीने में, इस साल में 3 बार 2,000 रुपए की 3 किस्त किसान के खाते में जाएगी, 4 महीने में 1 बार 2,000 रुपए हर किसान के खाते में जाने की व्यवस्था, और एक बार में हर 4 महीने में जब किसान के खाते में 2,000 रुपए दे जाते हैं तो एक बार में कितना खर्च होता मालूम आपको? 18,000 करोड़ रुपए। 18,000 करोड़ रुपए हर चौथे महीने में प्रधानमंत्री जी के द्वारा सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में, किसान के खाते में दिया जाता है, जिससे हमारा अन्नदाता किसान अपनी छोटी मोटी आवश्यकताओं के लिए, खाद के लिए, बीज के लिए, पेस्टिसाइड के लिए, या कभी अपनी किसी आवश्यकता के लिए उसे धन की आवश्यकता हो तो यह पैसा उसके लिए सहायक बन सके। यानी साल में, एक वर्ष में 54,000 करोड़ रुपए की राशि केवल प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से अन्नदाता किसानों के खाते में सीधे देने की व्यवस्था कोई करता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से करते हैं। और भाई परसों 18,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री मोदी जी आपके अकाउंट में फिर से भेजने वाले हैं, ये केवल इसलिए कि किसान के चेहरे पर खुशहाली लाई जा सके, उसके लिए समृद्धि का मार्ग खोला जा सके। और उसी तर्ज पर प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने भी ये कदम उठाए हैं, चाहे वह 36,000 करोड़ रुपए के किसान ऋण माफी के कार्यक्रम रहे हों, चाहे वह प्रदेश के अंदर लंबित सिंचाई की परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने का कार्यक्रम रहा हो, और चाहे प्रदेश के अंदर प्रोक्यूरमेंट की इस पॉलिसी को, जिसके अंतर्गत हम हर किसान की उपज को खरीदने का कार्य करेंगे, क्रय केंद्र स्थापित करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हो, या फिर कोरोना कालखंड में भी चीनी मिलों को चलाने का, 119 चीनी मिलें हमने कोरोना कालखंड के अंदर चलाई। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।